तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके टोक्यो रेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया। पसंद तो वीडियो को लाइक करना, उससे रिलेटेड कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं टोक्यो रेंज से रिलेटेड वीडियो लाया करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले एक लाइक दिखा लो, टेबल से फोन डाल लो, डिस्काउंट डाल लो, ये वीडियो की सबसे अलग अलग मस्त हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मैं लवर्स, तो जैसे जानते हो भाई टोक्यो में कुछ नए नए चैप्टर आते जाते हैं, नए नए भोकाल मस्त जाता है। उसी तरह से आ गया है चैप्टर 261 के स्पॉयलर। और भाई साहब ये स्पॉयलर भाई साहब बहुत ताबड़तोड़ा है, मेरे को एक बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही, क्योंकि उस बंदे की वजह से भाई पूरी तरह से रायता फैल गया है हमारी माइकी वर्सेस ताकि मिर्ची का। तो स्टार्ट करते हैं स्पॉयलर की एक्सप्लेनेशन। तो पहले इमेज में हम लोग को दिखाया जाता है स्पॉयलर के कि जहाँ पर हमारे ताकि मिर्ची खड़ा होता है हमारे माइकी के सामने, और भाई साहब हमारे मिसोया आकाए और हमारा ताइजू शिबा देख रहे होते हैं इनको। और भाई साहब हमें दिखाया जाता है लास्ट में हमको माइकी को, जिस तरह से उसके मुंह पे कोई रिएक्शन नहीं, तो भाई मेरे को लग रहा है कि आज तो ताकि मिर्ची पिटने वाला बहुत गंदा। तो इस पर अगले पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा ताइजू, बैकग्राउंड को देखने पे हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारा ताइजू शिबा अभी भी खड़ा हुआ है, और वहाँ पर कांटो मांझी गैंग और टोक्यो मांझी गैंग के बंदे पूरी तरह से गिरे पड़े हुए हैं। और हमारे ताकि मिर्ची और माइकी कुछ पूरी बोल रहे हैं, लेकिन भाई हम लोग को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि भाई स्पॉयलर के पेज में भाई खाली यही दिक्कत होती कि भाई पूरी चीज़ें दिखाई नहीं जाती, मतलब स्टोरी लाइन दिखाई नहीं जाती। और भाई साहब जिस तरह से हमारे माइकी और ताकि मिर्ची पटरी के इधर उधर खड़े हैं, तो भाई मेरे को लग रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, वैसा फुल लड़ाई होने वाली है। तो स्पॉयलर के अगले पेज पर हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे ताइजू शिबा के पीछे कोई भागते हुए आ रहा है। और भाई साहब ये बंदा एक ही बंदा हो सकता है कि भाई या फिर हानमा या फिर सांजू, लेकिन आगे वाले चैप्टर में आपको दिख जाएगा कि ये हानमा है भाई साहब स्पॉयलर के पेज में कि हानमा है। और हानमा आ रहा है भाई हमारे ताइजू शिबा के साथ, जो कि हमारे ताइजू शिबा नोटिस करता है कि भाई हमारे कांटो मांझी ड्रेस पहन के कोई बंदा उसके पीछे आ रहा है भागते हुए। और अगले स्पॉयलर के पेज पर हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारा ताइजू शिबा को भाई साहब पड़ जाती है, और भाई हमारा ताइजू शिबा नॉक आउट। तो भाई साहब आखिर भाई सीन मच चुका है भाई साहब हमारे तोमान और हमारे कांटो मांझी गैंग के बीच में, जहाँ पर ताइजू शिबा भाई पूरी तरह से नॉक हो चुका है। और स्पॉयलर के अगले पेज पर पहुँचते जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारे ताकि मिर्ची के पीछे आखिरकार वो हानमा ही निकला, और हानमा भाई एक क्रीपी स्माइल दे रहा है हमारे ताकि मिर्ची को। भाई हमारे ताकि मिर्ची की शक्ल देख के लग रहा है कि भाई उसकी अब लगने वाले, क्योंकि जिस तरह से उसके लिए मुसीबत बढ़ गए, एक तो माइकी से लड़ो, ऊपर से ये साला पीछे से ये मुर्दा आके खड़ा हो जाता है, यार बहुत दिक्कत देता है यार। स्पॉयलर के अगले पेज पे देखते हैं कि भाई हमारे ताकि मिर्ची को भाई सब पढ़ रहे हैं, मतलब हानमा भाई बहुत मार रहा है उसे, मतलब मुक्का देख रहे हो उल्टे हाथ का मुक्का भाई आसमान में उड़ता जाए हमारा ताकि मिर्ची। तो भाई उसी तरह से कुछ सीन हो गया जहाँ पे हमारा हानमा मार रहा है हमारे ताकि मिर्ची को, वो भी गंदी तरह से। स्पॉयलर के अगले पेज पे हम लोग देखते हैं जहाँ पे भाई हमारे टोक्यो मांझी गैंग का कोई बंदा, मैं सीधे कह सकता हूँ भाई ये चीफ ही हुआ है, क्योंकि आगे आपको पता चल ही जाएगा, तो भाई मैं सस्पेंस नहीं रखूँगा, क्योंकि इसको चैप्टर को देखने के स्पॉयलर देखने के बाद भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका, क्योंकि जिस तरह से भाई हानमा बीच में रिटर्न मारता ना भाई बड़ा बेकार लग रहा है। तो भाई हमारे चीफ ही आ रहा है जो कि भाई हमारा तोमन ट्रस्ट का मेंबर है अभी, तो इसको हम लोग रिवील नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एक तोमन का मेंबर आ रहा है जो कि हमारे हानमा पे पीछे से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भाई हानमा के पीछे से हमारा कोई ना कोई बंदा आ ही रहा है। इस पर के अगले पेज पर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे हानमा सेंस कर लेता है कि भाई उसके पीछे कोई बंदा आ रहा है जो कि भागते हुए आ रहा है, और भाई हमारे तोमन के मेंबर ने भाई साहब पंच घुमाया और वो मिस हो गया भाई साहब, शायद मिस हो गया, आपको अगले में पता चल जाएगा अगले स्पॉयलर के पेज में। और अगले स्पॉयलर के पेज में उनको दिखाया जाता है कि भाई हमारे हानमा ने सेंस कर लिया था, और भाई साहब उसको ब्लॉक करके, उस पंच को ब्लॉक करके या मतलब बच के उससे तुक्के से बच गया होगा, उसको बच के, और भाई साहब रिटर्न मुक्का दे दिया भाई साहब हमारे तोमन के मेंबर को। तो भाई साहब ये बहुत तगड़ा सीन था, जिसकी वजह से भाई मेरे को लग रहा है कि हमारा भाई साहब चैप्टर कहीं ना कहीं तो भाई साहब हमारे कांटो मांझी गैंग की तरफ गिर रहा है। तो इसी के साथ करते हैं अपना स्पॉइलर की वीडियो का एक्सप्लेनेशन का यही पैंड, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया, पसंद तो वीडियो को लाइक करना, उससे एक कमेंट करना, और बात है सब्सक्राइबर की, तो भाई अगर जिसको वीडियो अच्छी लग रही हो वो सब्सक्राइब कर लो। तो बाय बाय, सीटा टाइगन, मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो में, बाय बाय।